नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक एलईडी व्यू मीटर बनाने वाले हैं जो कि आपकी म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेगा। तो यही वो सारी कंपोनेंट्स जो कि हम इस व्यू मीटर को बनाने में यूज करेंगे। तो इन सारी कंपोनेंट के लिस्ट और इस व्यू मीटर का सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमें चाहिए 10 पीस एलईडी। एलईडी का जो बड़ा वाला पिन होता है वो हमारा एलईडी का प्लस होता है, और एलईडी का छोटा वाला पिन होता है हमारा एलईडी का माइनस। तो अभी मैं इसको जैसे कर रहा हूँ आपको भी ठीक ऐसे करना है। एलईडी का जो प्लस वाला पिन है वो बोर्ड के बाहर की तरफ रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एलईडी का जो कलर है वो आप अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम ग्रीन और रेड वाले एलईडी यूज़ कर रहे हैं। जितने भी सारे एलईडी होगा उसका जो प्लस वाला पॉइंट होगा वो बाहर की तरफ होगा, और एलईडी का जो माइनस वाला पॉइंट होगा वो अंदर की तरफ होगा। अब इसको अच्छे से देख लीजिए। तो अभी हमने यहाँ पर सारे एलईडी को बोर्ड पे इनपुट कर दिया है। अभी हम इसका पिन को काटेंगे और इसको सोल्डरिंग कर देंगे बोर्ड से। तो सारे एलईडी को हमने सोल्डरिंग कर दिया था, पर हमने यहाँ पर एक गलती कर दिया था, जो कि हमारा रेड वाला एलईडी है वो हमारा ऊपर में बैठेगा, तो इसको हमने गलती से नीचे में कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो तीन रेड एलईडी है उसको हम ऊपर में बैठा लेंगे और जो तीन ग्रीन वाला एलईडी है उसको हम नीचे में लगा देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर सारे एलईडी को ठीक करके लगा दिया है, और यह है हमारा आईसी का मॉडल नंबर है LM3914। तो इस आईसी का पिन आउट डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईसी की ऊपर में जो कट का निशान दिया हुआ है उसका लेफ्ट साइड से हमारा आईसी का पिन का गिनती स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करके, फिर इस साइड में हमारा राइट साइड में 18 नंबर पिन तक। तो अभी हम इस आईसी को इस बोर्ड पर माउंट कर लेंगे। आईसी के ऊपर ने जो कट का निशान दिया हुआ था, यानी जहाँ से हमारा एक नंबर पिन स्टार्ट हो रहा था, उसको हमें नीचे की तरफ लगाना होगा, यानी जहाँ पर हमारा ग्रीन एलईडी लगाया गया है उस तरफ हमारा ये जो कट का निशान है वो लग जाएगा। अभी हम पीछे से सोल्डरिंग पेस्ट लगा के फिर इसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो अभी हमें इस आईसी को बोर्ड पर सोल्डरिंग कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हमें ऑयल लेना है और एलईडी के माइनस वाले पिन को आईसी की पिनों से कनेक्ट करना होगा। तो जो कि हमारा पहला एलईडी होगा वो हमारा आईसी की एक नंबर पिन में कनेक्ट होगा, और जो कि हमारा एकदम लास्ट एलईडी होगा वो हमारा आईसी की 10 नंबर पिन में कनेक्ट होगा। आईसी की एक नंबर पिन के बाद आईसी के 18 नंबर पिन में हमारा दूसरा एलईडी कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते आईसी की 10 नंबर पिन में हमारा एकदम लास्ट एलईडी कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी के आउटपुट की बात करें, तो जिस तरह से हम एलईडी को कनेक्ट करें ठीक इसी तरह से फ्रीक्वेंसी आउटपुट होगा, यानी आईसी की एक नंबर पिन से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगा और आईसी की 10 नंबर पिन में फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने इन सारे एलईडी की माइनस वाले पिन को आईसी की पिन के साथ कनेक्ट कर लिया है। अभी हमें एक ऑयल लेना है, आईसी की 2 नंबर पिन, उसके बाद आईसी की 4 नंबर पिन, और उसके बाद आईसी की 8 नंबर पिन को हमें एक साथ शॉर्ट करना होगा, जो कि हमारे इस आईसी का ग्राउंड वाला पिन है। तो अभी हमें एक 1.5 के का रजिस्टर चाहिए। इस रजिस्टर को हमें पहले आईसी की 7 नंबर पिन में कनेक्ट करना होगा, और रजिस्टर का जो दूसरा पिन रहेगा उसको हमें आईसी की ग्राउंड में कनेक्ट कर देना होगा।
तो अभी हमें एक 560 ओम का रजिस्टर चाहिए, तो इस रजिस्टर को हमें आईसी की 5 नंबर पिन में कनेक्ट करना होगा। अभी हमें एक 100 का रजिस्टर चाहिए। इस रजिस्टर का जो पहला वाला पिन रहेगा वो हमारा आईसी की 5 नंबर पिन में जो 560 ओम रजिस्टर लगाया था उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और रजिस्टर का दूसरे वाले पिन को हमें आईसी की ग्राउंड में कनेक्ट कर देना होगा। तो अभी हमें एक 4.7 एफ का कैपेसिटर चाहिए। इस कैपेसिटर का जो प्लस वाला पिन रहेगा उसको हमें आईसी की 5 नंबर पिन में जो 560 ओम रजिस्टर कनेक्ट किया था उसमें कनेक्ट करना होगा, और कैपेसिटर का जो माइनस वाला पिन रहेगा उसको हमें ग्राउंड में कनेक्ट कर देना होगा। तो अभी हमें एक 4148 का जीनर डायोड चाहिए। इस डायोड का जो माइनस वाला पिन रहेगा वो हमारा 4.7 एफ कैपेसिटर का प्लस से कनेक्ट हो जाएगा, और इस जीनर डायोड का जो प्लस वाला पिन रहेगा वहाँ पर हमारा ऑडियो इनपुट हो जाएगा। तो अभी हम एक वायर लेंगे और 4.7 एफ कैपेसिटर का जो माइनस वाला पिन था उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमें एक 4K7 यानी 4.7K का प्रीसेट चाहिए। इसको हम पहले बोर्ड में माउंट करेंगे और पीछे से सोल्डरिंग कर देंगे। तो अभी हमें एक वायर लेना है और प्रीसेट का जो आउटपुट वाला पिन है उसको हमें आईसी की 6 नंबर पिन में कनेक्ट कर देना होगा। तो अभी हमें एक वायर लेना है और जितनी भी सारी एलईडी है उसकी प्लस वाले पिन को हमें एक साथ में कनेक्ट करना होगा, और फिर हमें इस वायर को प्रीसेट की कोई भी एक साइड की पिन में कनेक्ट कर देना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे एलईडी की प्लस वाले पिन को हमने एक साथ में कनेक्ट करने के बाद प्रीसेट की एक साइड की पिन में कनेक्ट कर दिया है, और प्रीसेट का जो दूसरा वाला पिन रहेगा उसको हमें इस आईसी के ग्राउंड में कनेक्ट कर देना होगा। तो अभी हमें फिर से एक वायर लेना है और इसको हमें पहले आईसी की 3 नंबर पिनों में कनेक्ट करना होगा, और आईसी की 3 नंबर पिन में कनेक्ट करने के बाद हमें इसको प्रीसेट की इस साइड की पिन में कनेक्ट कर देना होगा जहाँ पर हमने सारी एलईडी की प्लस वाले वायर को कनेक्ट किया था। तो अभी हमें एक सिंपल एसपीडीटी स्विच चाहिए। वैसे ये जो स्विच है हमारा एसपीडीटी स्विच है, इसका हम एक साइड की पोल यूज करेंगे तो ये हमारा एक एसपीडीटी स्विच बन जाएगा। तो इसको हम पहले बोर्ड पर माउंट करेंगे और पीछे से इसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो इस स्विच को हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। अभी हमें एक वायर लेना है और सारी एलईडी का प्लस जहाँ पर कनेक्ट किया था वहाँ से हमें वायर को लेना है और एसपीडीटी स्विच के बीच वाले दो पिन में कनेक्ट कर देना होगा, और उसके बाद हमें फिर से एक वायर लेना है और इसको साइड वाले पिन में कनेक्ट करते हुए आईसी की 9 नंबर पिन में कनेक्ट कर देना होगा। तो ये जो स्विच है, ये स्विच जब ऑन रहेगा तो सारे एलईडी बार मोड पे काम करेगा, और स्विच जब ऑफ रहेगा तो सारे एलईडी डॉट मोड पे काम करेगा। तो यह कि हमारा पावर का वायर, ग्राउंड का वायर को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारा आईसी का ग्राउंड था, और जहाँ पर हमने सारे एलईडी का प्लस को कनेक्ट किया था वहाँ पर हमारा पावर का कनेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पर हम पावर को कनेक्ट कर देंगे।
तो यह कि हमारा ऑडियो सिग्नल का वायर जेनर डायोड की प्लस वाले पिन में हमारा ऑडियो इनपुट हो जाएगा और ग्राउंड को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमारा एच एल ई डी व्यू मीटर है हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। और यह कि हमारा 6283 IC जो कि हम इसको यहाँ पर टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर ये जो हमारा एल ई डी व्यू मीटर है इसकी ऑडियो सिग्नल में आपका वोल्टेज 3.7 के नीचे होना चाहिए। इसके ऊपर आप वोल्टेज डाल देंगे तो आपके आई सी में प्रॉब्लम आ सकता है या फिर आपका ये जो आई सी है ठीक तरह से आपका सिग्नल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये हमने दोनों पावर का वायर को एक साथ में कनेक्ट कर लिया है और इस व्यू एल ई डी मीटर का जो सिग्नल का वायर है और स्पीकर का वायर को हम एक साथ में कनेक्ट कर लेंगे। फिर हम इन दोनों वायर को इस आई सी के स्पीकर आउट में कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर सारे कनेक्शन पूरा हो चुका है। अभी हमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए। 12 वोल्ट के लिए हम यहाँ पर एक 12 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रहे हैं। तो इस व्यू मीटर का जो इनपुट वोल्टेज जो आपकी 9 से 12 वोल्ट के अंदर ही है। 12 वोल्ट के ऊपर आपको इनपुट नहीं करना है वरना आपका व्यू मीटर में प्रॉब्लम आ सकता है। और हमारे जो 6283 IC है ये तो हमारा 12 वोल्ट पर ही चलता है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ में पैरेलल कनेक्ट कर दिया है और सारे कनेक्शन भी हमारा पूरा हो चुका है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो भी चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।